दिस कृष्ण अनअकैडमी चैनल, सभी का स्वागत है आज की और आज की क्लास में जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो होगी हमारी स्टैटिक जीके की लाइव क्लास। ठीक है, स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को 50 से 60 क्वेश्चन होंगे और उनका एक्सप्लेनेशन होगा। स्टैटिक जीके में ऑल सब्जेक्ट्स 15 सब्जेक्ट कवर अप किए जाएंगे। क्लास शुरू करने से पहले एक बार कमेंट कर दीजिए कि क्या मेरी आवाज आप लोगों को क्लियरली सुनाई दे। एक बारी कमेंट कर दीजिए कि मेरी आवाज आ रही तो क्लास को प्रोसीड करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं बता दूं कि भैया ये जो स्टैटिक जीके की क्लास है ये एक लाइव टेस्ट है जिसमें मैं 30 से 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा। जनरल स्टडीज के 15 सब्जेक्ट्स कवर अप होंगे। याद रखिएगा मेरी इंग्लिश की क्लास ठीक इसी के आधे घंटे बाद 9 PM पर चलेगी। ठीक है, इसमें मैं कंजंक्शन कंप्लीट करूंगा। ठीक है, और SSB के भी कुछ टिप्स बताऊंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये आपको आपके कर्सर के ठीक नीचे वी बने हुए बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपको PDF की डिटेल्स, सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स, आने वाली क्लासेस की लिंक्स, आपको मेरे आने वाले फॉर्म्स की डिटेल्स, जो सरकारी जॉब आ रही है उसकी डिटेल्स, सबके बारे में पता चलता रहेगा। तो इससे जुड़िए। प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें, आइकॉनिक और प्लस के सब्सक्रिप्शन की, तो प्लस का सब्सक्रिप्शन में लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस रहता है। अगर मैं आइकॉनिक की बात करूं तो पर्सनल गाइडलाइन, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन और स्टडी मटेरियल्स अच्छा मिलता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि भैया अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, तो आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलता है, CDS, FCAT, CPF तीनों मिलता है 11,000 का। ये कोड लगाते हो 10% ऑफ मिल जाता है, तो पड़ता है 9,900 का। दो बातें हैं, अभी अगर 31 मार्च के पहले खरीदते हो आज रात, तो आपको SSB 1 साल के लिए फ्री मिल जाएगा अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो। दूसरा, प्राइस हाइक होने वाला है, ठीक है, तो उससे भी बच जाओगे। ये दो फायदे होंगे आज रात में परचेज करने से। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक लेते हो तो इसमें भी वो तीनों बाई डिफॉल्ट इनबिल्ट मिल जाता है। ये होता है 13,200 का, लेकिन आप कोड लगाते हो मेरा KSS10 तो 10% का ऑफ मिलता। बिना कोड लगाए प्रोसीड कर दोगे तो पूरा पैसा देना पड़ेगा, इसलिए कोड लगाकर 10-12 हज़ार बचा सकते हो। ये पड़ता कितने का है, 11,880 का। अगर मंथली देखोगे 990 रुपये, महीना बहुत ज्यादा नहीं होता, इतना का तो आदमी कुछ खा ही जाता है, बर्गर वर्गर। पढ़ लो तो आप, मेहनत कर लो, आइकॉनिक ले लो, थोड़ी सी अधिक मेहनत लगेगी लेकिन बढ़िया है। जो लोग दिल्ली साइड हैं वो एक बार घूम आए दिल्ली का अनअकैडमी स्टोर, राजेंद्र नगर ओल्ड में, पूसा रोड पर, मेट्रो पिलर नंबर 121 के पास है, जाइए देखिए वहां क्या पकड़ा। यही बैच जो चल रही थी, अब मेरी बैच नई हो जाएगी, नई चेंज करूंगा बैच, और फाइनली हम लोग को टारगेट करना है अब 1 अप्रैल से 10 अप्रैल की, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगी क्लास, 30 दिन की। ये 10 दिन की क्लास चलेगी, ये बैच लास्ट क्लास है आज मेरी। बाकी आप लोगों ने स्कॉलरशिप दिया होगा तो जिसका निकला, जिसका नहीं निकला उसके बारे में मुझे बताओ। और चलो स्टैटिक जीके शुरू करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं स्टैटिक जीके। क्या बोल रहा है पब्लिक, सभी बताओ, यहां तक बात समझ आई ना, क्या क्या पढ़ाया मैंने, आवाज वाज सब क्लियर है ना? तो आइए चलिए देखते हैं स्टैटिक जीके क्या कहता है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, भारतीय सेना का सबसे पहला जनरल कौन था जिसके सेनावृत्त दिवस को हर वर्ष सशस्त्र बल वीरवृत्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत रिस्पेक्ट देते हैं हम लोग, आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे। वेटरन्स मतलब सर्व गुण संपन्न, ऑलराउंडर, सब तरह का एक्सपीरियंस होता है इन लोग। तो इंडियन आर्मी की तरफ से पहले जनरल कौन थे जिनको रिट्रीब्यूट देने के लिए हमने उनकी रिटायरमेंट पर आर्म्ड फोर्स वेटरन डे के रूप में मनाना शुरू किया। तो राजेंद्र सिंह, श्री नागेश, मिथ्या, करियप्पा, क्या बोल रही पब्लिक? तो बिल्कुल सही आंसर करियप्पा, याद रखिएगा करियप्पा इंडियन आर्मी के जनरल थे पहले, जिनके रिटायरमेंट पर ही हम लोगों ने वेटरन डे, समझे, वेटरन डे को हिंदी में अभी क्या बताया था मैंने, वयोवृद्ध दिवस,
सशस्त्र बल वयो वृद्ध दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। आई बात समझ? तो इनकी डेट क्या है बताएंगे, 15 जनवरी 1949 को अपॉइंट हुए थे और उनको जो डिस्चार्ज मिला है वो मिला है 14 जनवरी। मेरी बात समझे, इन्होंने इंडो पाकिस्तान वॉर में 47 में आजादी के समय में लीड फोर्स किया था। समझे? चलो आगे बढ़ेंगे। डीसी सरकार ने किस वर्ष में भारतीय एपिग्राफी और इंडियन एपिग्राफिकल शब्दावली का प्रकाशित की थी? शब्दावली बोले तो ग्लॉसरी होती है ना, काइंड ऑफ अ डिक्शनरी। एपिग्राफी और इंडियन एपिग्राफिकल ग्लॉसरी नाम से दो किताबें प्रस्तुत करी थी, तो डीसी सरकार ने करी थी। अब डीसी सरकार कौन से सन में किए थे सोचो जरा। तो मैं बता दूं, याद होगा आप लोगों को कि भैया 65-66 का युद्ध चल रहा था, उसी समय में ये चीज लिखी गई। मेरी बात समझे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे के चीफ एपिग्राफिस्ट भी रह चुके हैं ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, महिलाओं के 20 अंतरराष्ट्रीय में से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बनकर विश्व रिकॉर्ड एलिसा हिली हैं, जिन्होंने महिलाओं के 20 अंतरराष्ट्रीय में से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वो कहाँ की हैं? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। एलिजा हेली नाम से तो लग रहा है कि यार मतलब अपने देश की तो नहीं। ऑप्शन डी मोहित सोनी, सुखबीर सिंह। आइए किस पे टिक लगाऊं इसका, ये किसका बात कर रहे हो? जैसे ऑप्शन डी आपने बोला है, ये पिछले क्वेश्चन का है कि इसी क्वेश्चन का है? तो आइए चलिए आंसर देखते हैं। राइट आंसर सी है, एलिजा हेले जो है ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। ठीक है, इन्होंने 148 रन बनाया 61 बॉल पे सिडनी ओवल अगेंस्ट श्रीलंका अक्टूबर 2019 में। तो ऑब्वियसली एक बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, याद रखिएगा विकेट कीपर ऑस्ट्रेलियन है ये। अब जान ही रहे ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट का तो बड़ा पुराना नाता है, तो डेफिनेटली बढ़िया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। किस नेता ने हमें सी आर फॉर्मूला दिया? सी आर दास, सी राजगोपालाचारी, गांधी, तिलक। किस पर टिक लगाओगे? बहुत से बच्चे सी आर दास और सी राजगोपालाचारी को लेकर ही कंफ्यूज हैं। गांधी और तिलक तो ऑप्शन में आ ही नहीं रहे, फाइट है ही नहीं इनका। समझो मेरी बात, बताओ किस पर टिक लगाओ। कमेंट देख रहा हूँ मैं आप लोगों का। जरा बताओ, तो बताएंगे सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। सुन लीजिए क्या था, पाकिस्तान बनाने का आसान रास्ता निकाला था इन्होंने। सी राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मूला निकाला ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब 1939 से 45 के बीच की कहानी है। ये फॉर्मूला लेकर आए हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टेट्स दैट इफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस इंडियन स्टेटहुड वुड बी पॉसिबल। द मुस्लिम लीग हाउएवर वॉज डिमांडिंग अ सेपरेट नेशन ऑफ पाकिस्तान फॉर द मुस्लिम्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। इन दिस केस सी राजगोपालाचारी हु वॉज अ मेंबर ऑफ द INC प्रपोज अ सेट ऑफ प्लान कॉल्ड सी आर फॉर्मूला और राजा जी फॉर्मूला टू ब्रेक हिज डेडलॉक बिटवीन द टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। समझ गए? जिस समय गवर्नमेंट युद्ध में बिजी थी, वो चाह रही थी कि यार तुम हिंदू मुस्लिम सब मिलकर करो, क्या करना चाहते हो, लेकिन पाकिस्तान चाहता था कि नहीं हमें अपना सेपरेट चाहिए और कांग्रेस चाहिए नहीं सेपरेट नहीं रखेंगे। तो इसी समय में सी राजगोपालाचारी ने बोला कि भैया ये जो डेडलॉक है हमारे आपके बीच में, इसको तोड़ो और दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज आए इंडिया में, तुम अपना लड़ो हम अपना लड़े। ठीक है, सी राजगोपालाचारी क्लियर हुआ। एक पाकिस्तान न बंटवारा हो इसके लिए अच्छी कोशिश थी। सौरमंडल में ग्रहों की, इसी को राजा जी फॉर्मूला भी कहते हैं, ग्रहों के अनुक्रम बंधन में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह था? अभी बताया था, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्स अस नट। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून होता है ना, तो बताओ मुझे बुध बोले तो मरकरी और पृथ्वी बोले तो अर्थ के बीच में क्या आता है? तो बताएंगे वीनस आता है, जो कि पृथ्वी की भगनी कही जाती। तो वीनस को बोले तो शुक्र, सबसे हॉटेस्ट तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे गर्म तारा, सुंदरता की देवी, प्रेशर कुकर गैस और उल्टा तैरने उल्टा घूमने वाला ग्रह, इसका कोई उपग्रह नहीं है। इतनी सारी बातें वीनस के बारे में मैंने पिछली क्लास में ही बताई थी, और भी डिटेल पढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान से सुनिएगा।
बताएंगे कौन पहला दक्षिण भारतीय एशियाई देश है जिसने मैच फिक्सिंग को अपराध कहा। मैच फिक्सिंग में बहुत से लोग लपटाए, बहुत से लोग का करियर गया, तरह तरह की प्रॉब्लम्स जो है सुनने को आई, जैसे अजय जडेजा का नाम आया था और क्लीन चिट मिली है, विनोद कांबली थे, अजहर अजय जडेजा थे ना, और अजहर महमूद थे, एक और था, क्या नाम था उसका, अजय श्री संत करके नहीं था एक, जिसको हरभजन ने थप्पड़ जड़े थे, उसको लेकर कुछ इशू हुए थे। तो खैर वॉट एवर, इन्हीं सब चीजों को लेकर, मैच फिक्सिंग को लेकर बात आई थी, और मैच फिक्सिंग को एक अपराध कहा, इट्स एन ऑफेंस, इट्स अ क्राइम। तो किसने कहा? दक्षिण एशियाई देश है, भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। वॉट डू यू से? तो बताएंगे राइट आंसर जो है श्रीलंका है। श्रीलंका ने सबसे पहले बार जो है मैच फिक्सिंग को एक क्राइम कहा। गलत है यार ये, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ द ऑफेंस रिलेटेड टू स्पोर्ट्स के रूप में श्रीलंका ने अंडरटेकिंग ली इसकी पार्लियामेंट में, नियम कानून की। और इनके कीपर थे अर्जुन राणा तुंगा, नाउ अ कैबिनेट मिनिस्टर, सपोर्ट द बिल। ठीक है, मेरी बात समझे? एक्ट ऑफ ओमिशन के नाम से ये फेमस बात है। क्या? चलो, माधवपुर मेला बहुत फेमस है, ठीक है। माधवपुर मेला कहाँ लगता है? क्या बोल रही पब्लिक? माधवपुर मेला कहाँ लगता है? कोई आंसर नहीं, चलिए मैं बता दूं कि माधवपुर मेला ऑप्शन डी गुजरात में लगता है, याद रखिएगा, गुजरात में माधवपुर मेला लगता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल पढ़िएगा, पोरबंदर के पास लगता है, बहुत बड़े लेवल पर। जीवाणु रोधी धातु का नाम बताइए, जीवाणु रोधी धातु का नाम क्या है? द नेम ऑफ द ओनली मेटल दैट इज एंटी बैक्टीरियल, दैट इज सोडियम, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम। इसकी दवा बनती है होम्योपैथिक, कई बार देखा होगा, तांबा लोहा जीवाणु रोधी है, एल्युमिनियम मुझे सोडियम होगा। क्या बोली पब्लिक? तो बिल्कुल सही आंसर है कॉपर। कॉपर इज द ओनली मेटल दैट इज एंटी बैक्टीरियल, जर्म्स किलर के नाम से इसको जाना जाता है। एनी बडी नोज अबाउट इट? क्या जानते थे? सही आंसर ये होगा। देखो कितना इंटरेस्टिंग और धांसू आंसर निकल कर सामने आया। तो कॉपर को ही जर्म किलर के नाम से जाना जाता है। इट्स अलॉय शोज एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, समझे? कॉपर इज ऑल्सो प्रूव्ड, ऐसे ही कोबाल्ट कैंसर के लिए भी यूज किया जाए, बहुत से मेटल है ऐसे, आयरन शरीर में होना ही चाहिए, जानते ही हो, इस सॉलिड मेटल होता है। यूएस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि एंटी माइक्रो माइक्रोबर्बल प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है। कौन सी? तो बताएंगे एटॉमिक इसकी 19 है, सिंबल इसका कॉपर, CU है। ठीक है, बहुत अच्छा एक केस स्टडी पढ़ी हमने। मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स रिफर्स टू, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आराम से पढ़ो, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा है, आराम से पढ़ के सॉल्यूशन बताओ क्या होगा। मैं रुका हूं। तो बताएंगे कि भैया मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स रिफर्स टू, ऑप्शन डी, टू द रेट चार्ज टू अ मर्चेंट फॉर अ पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस ऑन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। इसको मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहा जाता है, MDR, समझे? रक्त में ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए कार्य कौन करता है? रेड ब्लड सेल्स करती है, हीमोग्लोबिन करता है, क्लोरोफिल करता है, श्वेत रक्त कणिकाएं तो इम्यूनिटी बढ़ाती है, क्लोरोफिल तो हरी चीज में होता है, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए। अब हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कणिकाओं में से कौन ऑक्सीजन को कैरी करता है? तो विच कॉम्पोनेंट परफॉर्म्स द टास्क ऑफ कैप्चरिंग ऑक्सीजन? तो हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कणिकाओं में कौन ऑक्सीजन को कैप्चर करता है? तो राइट आंसर बताएंगे कि भैया हीमोग्लोबिन का काम है कि वो ऑक्सीजन को कैप्चर करे, और RBC का काम है कि ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाए, कैप्चर करके हीमोग्लोबिन में उपस्थित RBC रेड ब्लड सेल्स ये क्या करती है, वहां तक पहुंचाती है।
रिमूव ऑक्सीजन को कैरी करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना आरबीसी का फुल फॉर्म है। संयुक्त राष्ट्र महिला दक्षिण एशिया में लिंग समानता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एक जेंडर पार्क के साथ भागीदारी करने वाला है राज्य कौन सा? देखो यार, सब जानते हो सेक्स रेशियो हमारे यहाँ कभी पुरुष ज्यादा है महिलाएं कम है, सब जानते हो। तो एक जेंडर पार्क बनाया जाएगा जिसमें स्त्री पुरुष महिलाओं का सेक्स रेशियो पर जो है वो केस स्टडी होगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या केरल, सर्वाधिक जहाँ देखो केरल भी एक ऑप्शन है और हरियाणा पंजाब भी एक ऑप्शन है, क्या लगाया जाए? टिक बताओ, किस पे टिक लगाना चाहोगे बताओ, सोचो। तो बताएंगे राइट आंसर ये है, बिल्कुल सही है, केरला ही इस तरह का इनिशिएट कर सकता है, जेंडर पार्क बनाने वाला है ताकि हम लोग उसको सेक्स रेशियो को बैलेंस कर सकें। मेरी बात समझिए, थोड़ा सा कुछ चीजों को स्पीडली लेकर चल रहा हूँ कि चीजें जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा। एक तरह का एमओयू साइन हुआ है, इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? जेंडर पार्क बनेगा, ठीक है? अब ये जेंडर कहीं कभी क्वेश्चन आता है कि किस लिए, सेक्स रेशियो के लिए कि थर्ड जेंडर के लिए, तो आप थर्ड जेंडर देख के कंफ्यूज मत हो जाएगा कि किन्नरों के लिए, नहीं, ये सेक्स रेशियो से संबंधित है। मेरी बात समझे? कौन सी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होती? हेपेटाइटिस भी एक को हुआ है तो क्या दूसरे को भी हो जाएगा? सिफिलिस जो होता है क्या होता है, सिफिलिस दूसरे को हो जाएगा? क्रोसिस, एड्स दूसरे को नहीं होती? यार एड्स तो फैलने वाली बीमारी है तो मानता हूं मैं, अब नहीं भी हो सकती है क्योंकि वो ब्लड ट्रांसमिशन से होता है, अब इसमें तो मेंशन है नहीं अब, लेकिन ट्रांसमिट तो होती है, तो एड्स तो नहीं होना चाहिए था। बाकी क्या आंसर पे टिक लगाया जाए, जरा सोचो सोचो और बताओ क्या आंसर पे टिक लगाया जाए। तो बताएंगे भैया ये एड्स भी फैलता है, हेपेटाइटिस भी फैलता है, सेफिलिस भी फैलता है, लेकिन क्या नहीं फैलता? तो क्रायोसिस जो है ये नॉट ट्रांसमिटेबल नहीं होती, एक को ही तो एक ही को होगी, किसी भी तरह से कोई भी कारण से ये फैलती नहीं। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा, रेपो रेट में कमी करेगा कि रेपो रेट में वृद्धि करेगा? रिवर्स रेपो रेट में कमी करेगा, रिवर्स रेपो रेट अपरिवर्तित रखेगा कि अपने आप सब सही हो जाएगा? किस पे टिक लगाओगे? मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है, इंग्लिश में सुन लो, इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग, द सेंट्रल बैंक माइट डिक्रीज द रेपो रेट, इंक्रीज द रेपो रेट, डिक्रीज द रिवर्स रेपो रेट, कीप एंड द रेपो रेट अनचेंज्ड? सोचो सोच के बताओ। तो बताएंगे राइट आंसर है कि भैया वो रिपो रेट में वृद्धि कर देगा, सब कुछ सही हो जाएगा, रिपो रेट रिवर्स रिपो रेट जाने रहो। तो जब कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड बोरो नहीं लेंड उधार देता है शॉर्ट टर्म के लिए दूसरे देशों को, दूसरे बैंकों को, तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। लेकिन कभी कभी पापा को भी, मतलब आरबीआई को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो इट इज रिवर्स ऑफ अ रेपो रेट। इस दिन रिवर्स रेपो रेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा लेता है अदर बैंक से, ठीक है? तो बोरो वर्ड वहां यूज करेंगे तो होता है रिजर्व, रिवर्स रेपो रेट। इसी में सीआरआर एसएलआर भी आता है, तो सीआरआर एसएलआर, एसएलआर और बैंक रेट, ये भी एक बारी पढ़ जाना, मैं बता नहीं रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। विक्रम संवत कब जारी हुआ? देखो 57 में ही हुआ है, क्लियर पता चल रहा, एक 78 है, एक समाध 78 वाला जो है वो शक संवत हो जाता है और अदरवाइज वो विक्रम संवत होता है। ठाकुर जी का पंचांग पढ़े होते तो आइडिया आपको होता, विक्रम संवत 57 साल, उसमें क्या कर दिया जाता है, बीसी है तो मतलब ऐड कर दिया जाता है, समझे मेरी बात? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जब इन्होंने शकों को हराया तो उसी समय में विक्रम संवत मनाया जाता है, मेरी बात समझे? जब इन्होंने विक्ट्री करी है ओवर द शकाज तभी से विक्रम संवत होता है, विक्रम में 57 होते हैं, ठीक है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में भारत में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट के रूपों में से एक मर्दानी खेल प्रसिद्ध है? इंग्लिश में पढ़ देते हैं, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज मर्दानी खेल वन ऑफ द फेमस मार्शल आर्ट फ्रॉम द इंडिया बिलोंग्स टू? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मर्दानी खेल मार्शल आर्ट के रूप में प्रसिद्ध है, इस पे टिक लगा दिया जाए।
बताएंगे, बिल्कुल सही आंसर है कि भैया डी ऑप्शन, मर्दानी खेल जो है वो प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में। ठीक है, बोला कि एसडीजी इंडेक्स इंडिया का क्या है? एसडीजी इंडिया सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? एसडीजी इंडिया सूचकांक विकसित किया गया है विश्व बैंक, गृह मंत्रालय, नीति आयोग या पर्यावरण वन मंत्रालय? तो एसडीजी सभी बताया था मैंने एक बार ही, आप लोगों को फुल डिटेल भी याद होगा एसडीजी का फुल फॉर्म, पिछली क्लास में ही मैंने इसको क्लियर किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। याद करो इसके 12 पॉइंट्स होते हैं। इस सूचकांक को नीति आयोग ने जो है वो ओपन किया और नीति आयोग ने बताया कि अलग अलग सेक्शन में, शिक्षा के सेक्शन में अलग है, सबके सेक्शन में अलग अलग है। और एजेंडा क्या है इसका? 2030 तक का एजेंडा है। 62 नेशनल इंडिकेटर्स होंगे इसके। ठीक है, इसके आयोग है, सीईओ है अमिताभ कांत, सबको जानते हो। उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नीति आयोग ही जो है योजना आयोग की जगह लिया है, 12वीं योजना आयोग आकृति। जो जो एक्स्ट्रा बोलता हूँ सब नोट कर लिया करो। अगला क्वेश्चन, नीति का फुल फॉर्म कभी कभी अगर पूछ दे तो याद रखिएगा। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म तो सबको ही जानते होंगे ना, तो क्या ही बताऊं मैं। चलो, बोला कि भैया भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने के तहत इंटरनेट को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया? आर्टिकल 19, 21, 17 या 14? यार इस तरह का आंसर तो 19 होना चाहिए था, तो बिल्कुल सही है 19। देख लीजिए, इंटरनेट फंडामेंटल राइट्स, राइट टू सर्व इंटरनेट, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। कौन से आर्टिकल के तहत? तो बताएंगे आर्टिकल 19 के, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहता है। 14 क्या कहता है? इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और 21 कहता है लिबर्टी टू लिव लाइफ, जिंदा रहने का अधिकार। 17 कहता है अनटचेबिलिटी, अबॉलिश कर दो। 370 क्या कहता है? कश्मीर के लिए स्पेशल। आर्टिकल 19 क्या कहता है? फंडामेंटल राइट है जो कि इंटरनेट से संबंधित है, इसी के क्लॉज के तहत आता है। ठीक है, मेरी बात समझे? चलो एक और क्वेश्चन, जयकड़बाड़ी बांध किस नदी पर स्थित और किस राज्य में स्थित है? जयकड़बाड़ी तो बताएंगे राइट आंसर है सी, महाराष्ट्र में है और गोदावरी नदी पर स्थित है। समझे, महाराष्ट्र में है और गोदावरी नदी पर स्थित है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं पर प्राथमिक यौन अंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स? इनकी वजीना, ओवरी, यूटेरस या फिर फेलोपियन ट्यूब? अगर बायोलॉजी के क्वेश्चंस रिप्रोडक्शन रिपोर्टेटरी सिस्टम से कभी पढ़े होगे तो इस तरह के क्वेश्चन कर ले गए होगे। ठीक है, जरा सोचो और बताओ किस पे टिक लगाया जाए। तो चलो मैं बता दूं, राइट आंसर बी है, ओवरी। इसी से ही एक्चुअली इनकी प्रोडक्टिविटी से ही मतलब है हमें, तो प्रोडक्टिविटी का प्राइमरी अंग जो होता है वो होता है सेक्स ऑर्गन, ओवरी। ठीक है, फीमेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, इट्स ऑल्सो सेक्रेट फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स भी होता है, प्रोजेस्टेरॉन सुना होगा और एस्ट्रोजेंस फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं। हमारे में दूसरा होता है लव मेकिंग के लिए जो हॉर्मोन जिम्मेदार है, मैंने बताया था ना, ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन। इज दैट क्लियर? निम्नलिखित में से किसे सेंधा नमक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हम लोग कहते हैं ना कि ये व्रत में इप्सोम सॉल्ट बोलते हैं इसको, सेंधा नमक को इंग्लिश में इप्सोम बोलते हैं। तो ये फेरस सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है या मैग्नीशियम सल्फेट है? सल्फेट तो है, ये तो श्योर है, लेकिन किस तरह का सल्फेट होता है? जरा सोचो और बताओ मुझे किस पे टिक लगाया जाए। तो बताएंगे सेंधा नमक, इप्सोम सॉल्ट को हम कहते हैं, राइट आंसर है डी, मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, इप्सोम सॉल्ट होता है, याद रखिएगा।
इप्सोन सॉल्ट जो है बाथ सॉल्ट के लिए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए, इम्प्रूव कॉर्प्स के लिए, रिमूवल ऑफ द स्प्लिंटर्स के लिए भी यूज किया जाता है। एवरीबॉडी गॉट इट? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, स्पीड देखो बहुत जरूरी है, 25 क्वेश्चन तक चलेंगे हम लोग। बोला कि निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बीएससी बोलते हैं ना, बीएसई, किसने स्थापना की? प्रेमचंद राय, रायचंद, दीपचंद, विक्रम सेठ, आशीष कुमार चौहान। तो बताएंगे राइट आंसर है हमारा प्रेमचंद रायचंद। याद करिए ये जो है कभी खुशी कभी गम में रायचंद की टाइटल यहीं से ली गई थी, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बनाने वाले यही रायचंद थे। कॉटन किंग भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है, और बुलियन किंग भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। बुलियन का मतलब भी होता है सिक्का, ठीक है, याद रखिएगा। ब्रोकर थे, इनके पे एक पिक्चर बनी थी क्या अभी हाल ही में। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। कॉटन जिनका आविष्कार निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किया था, किसने? कॉटन गिन। तो बताएंगे कि एली बेटनी, जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर, नॉर्मन बोरलॉग या सोनी पेरदुए। तो बताएंगे कि भैया हमारे एली वेट वाइटनी ने जो है, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने कॉटन गिन का यूज सबसे पहली बार इन्वेंशन करी। एक और क्वेश्चन, कीट मछली को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मत्स्यनाशी, शाकनाशी, अंडनाशी या मांसभक्षीनाशी। तो बताएंगे कि देखो कीट मछली जो है पिसी पिसी कल्चर के अंतर्गत आएगा, तो पिसी साइट इज द राइट आंसर, ठीक है। पिसी कल्चर से ही याद किया, मछली पिसी साइट, तो कंट्रोल पेस्ट फिश, इस तरह की फिश बहुत चीजें बर्बाद कर देती हैं, ठीक है। ये काफी टॉक्सिक होता है ये पेस्टिसाइड, पिस्टिसाइड बोल दीजिए इसको, पेस्टिसाइड मत बोलिए। तो जैसे बहुत सारी ऐसी पेस्टिसाइड्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं वो भी मेंशनड है। तो खैर चलो आज की क्लास इतनी बड़ी अच्छे से चली। अभी मुझे ये बताओ कितने लोगों को बात समझ आई, और कमेंट्स वमेंट्स कर दिया करो यार, ऐसे कैसे चलेगा। पहले मुझे बताओ सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही ना, क्लियर आवाज आ रही? तो देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया व्यापारिक छूट दर को इंग्लिश किस चीज को निरूपित करती है? व्यापारी छूट दर किस पे टिक लगाएंगे? व्यापारी छूट दर, ऑनलाइन लेन देन पर एक व्यापारी द्वारा प्रदान कुल छूट, ऑनलाइन लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी व्यापारी द्वारा दी जाने वाली छूट, केवल ऐसे कर जो डिजिटल भुगतान के लिए बाध्य हैं, या डेबिट कार्ड लेन देन पर भुगतान। तो किस पे लगाओगे टिक, तो जरा सोचो इस पे। तो राइट आंसर व्यापारी छूट दर जो होती है, ऑप्शन डी। तो किसी भी तरह की डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की लेन देन पर प्रसंस्करण सेवाओं के लिए व्यापार में दिया गया शुल्क, उसको व्यापारिक छूट कहते हैं। बोलो रक्त में ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए क्या कौन कार्य करता है? हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कणिकाएं, क्लोरोफिल या श्वेत रक्त कणिकाएं। देखो क्वेश्चन समझो, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं कैरी करने का काम करती हैं ऑक्सीजन और सेल्स तक, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन लाल रक्त कणिकाओं से ऑक्सीजन खींचने का काम जो है वो हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है, मेरी बात समझे। और लाल रक्त का एक और काम करती है, आपके शरीर में के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का भी काम करती है, किडनी में जाकर छन कर कई तरह से वो बाहर निकलता है, सांस के थ्रू भी, किडनी के थ्रू, ठीक है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि महिला दक्षिण एशिया में स्थित लिंग समानता को सुरक्षित करने के उद्देश्य एक जेंडर पार्क बनाया गया, कि भैया जितने आदमी उतनी औरत, जेंडर पार्क के माध्यम से ये बातें सिखाई जाएंगी। तो केरल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान कौन सिखाएगा? तो बताएंगे केरला इज द राइट आंसर, केरल होगा, ठीक है। कौन सी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होती, फैलती नहीं है? एड्स एक को हुआ है, अगर हम जो है सेक्सुअली ट्रांसमिशन ब्लड का हो जाता है तो फैल जाती है, किसी भी कारण से वाली फैल जाती है, हेपेटाइटिस फैल जाती है डेफिनेटली, सेफिलिस तो ये भी फैल जाती है, लेकिन कैरोसिस जो है वो नहीं फैलती, ठीक है।
ये एक तरह की बीमारी है जो नॉट ट्रांसमिटेड होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन। हेपेटाइटिस भी फैल जाती है, एड्स भी फैल जाता है, सेफिलिस भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आने से फैल सकती है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये एक तरह का हेपेटाइटिस लीवर इन्फेक्शन है। पूछेगा कि हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, सेफिलिस जो है ये कैसे होता है, वायरस, जर्म्स, बैक्टीरिया, फंगस, तो बैक्टीरिया से होता है, कैसे फैलता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है। हेपेटाइटिस सी वायरस जो है ये हेपेटाइटिस सी वायरस से होता है, पढ़िएगा इसकी डिटेल पता चल जाएगा। यदि किसी मुद्रा में मुद्रा स्फीति लगातार बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक रेपो रेट कम करेगा कि बढ़ा देगा, कि रेपो रेट वैसे ही छोड़ देगा कि रिवर्स रेपो रेट में कम कर देगा, क्या करेगा? बताएंगे वो रेपो रेट में वृद्धि कर देगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताओ। विक्रम युग जब शकों को हराया था विक्रमादित्य ने, तो उसी समय विक्रम युग शुरू हुआ था, बताइए कब? किस पे टिक लगाओगे? तो बताएंगे विक्रम संवत 57 को शुरू हुआ था। गॉट इट। एक और क्वेश्चन बोला कि भैया विक्रम एरा जो आया था 57 में शुरू हुआ था। एक और क्वेश्चन बताओ, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सरकार में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट के रूप में मर्दानी खेल प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सोच के बताना किस पे टिक लगाने वाले। तो राइट आंसर बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन जो का महाराष्ट्र होगा। खेल खेल मर्दाना खेल बोलते हैं इसको। एसडीजी अभी बताया था मैंने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप्स इंडेक्स जो है इंडिया का, ये करीब बड़े लेवल पर सूचकांक जारी करता है। बोला है कि भैया किसके अंडर में काम करता है ये एसडीजी, तो बताएंगे क्या वर्ल्ड बैंक, होम अफेयर्स, इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस, या फिर नीति आयोग। आप लोग के कमेंट्स ही देखता रहता हूँ, बट कहीं से कोई कमेंट्स ही नहीं है। चलो कोई ना, तो बताएंगे राइट आंसर जो होगा वो होगा नीति आयोग के अंडर में आता है। ठीक है, चलिए आगे। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किसके तहत इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया? कौन से आर्टिकल के तहत इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? जरा सोचिए और बताइए। किस पे टिक लगाओगे? तो बताएंगे 19, आर्टिकल 19 के तहत ऐसा होता है। एक बताओ, जयकरवाड़ी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जयकरवाड़ी बांध, बफरिंग हो रही है लिटरली। अच्छा बताओ, सबको दिख रहा है ना सही से? मेरे हिसाब से तो बफरिंग नहीं हो रही, मेरे तरफ से सही दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ। याद रखना ये जो है आपका जयकरवाड़ी बांध नाम से ही लग रहा है यार, अपने केरला वरला साइड का है क्या? तो बताएंगे नहीं, महाराष्ट्र का है। जयकरवाड़ी वाड़ी ओड़ी बाड़ी बाड़ी अपना कहाँ, महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, ऐसे याद रखना, गोदावरी नदी पर है जयकरवाड़ी, गोदावरी, महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सी महिलाओं में प्रथम यौन अंग के रूप में देखा जाता है? तो बताएंगे क्या, कुछ लोग योनि, वजीना, कुछ लोग ओवरी, गर्भ भी माँ, महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग माँ बनने का भय हो सकता है। अब किस पे टिक लगाओगे, ये तो नहीं है। तो यार बायोलॉजी के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेंटालिटी के हिसाब से नहीं पूछा गया। सेक्स ऑर्गन ये उसकी अंडाशय बताती है कि, ठीक है, योनि या गर्भाशय पर नहीं टिक लगाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंधा नमक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इप्सोम बोलते हैं। अब ये किस चीज से बना होता है, फेरस सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट, किस पे टिक लगा दिया जाए?
तो बताएंगे राइट आंसर होगा सीधा नमक का मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ही, तो आज की क्लास अब फाइनली यहीं खत्म करते हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, और कहीं कुछ फंसता उसता है तो मुझसे पूछिए। अगली क्लास जो है हम लोग मिलेंगे अब अप्रैल के फर्स्ट वीक में। ठीक है, चैनल को मतलब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोड लगाइए, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। समझे, कोड है मेरा, एक बार बता दूं, KSS10। कोड क्या बताया मैंने, प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए KSS10, 10% का ऑफ देगा। बस करें आज के लिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।